समणी अक्षय प्रज्ञा जी एवं समणी प्रणव प्रज्ञा जी के संयम जीवन की अनुमोदना करते हुए जेवीवी ह्यूस्टन परिवार। वंदामी नमम स्वामी, गुरु चरणों में करता वंदन, किन शब्दों से मैं करूं कृतज्ञता। मिला मुझे अक्षय आनंद, जिस सेंटर में बैठे हैं उसके लिए कहना चाहूँगा, अक्षय प्रज्ञा अभिनय प्रज्ञा जी का था सपना, प्रेक्षा मेडिटेशन सेंटर बन जाए अपना, पिरीमिड हॉल भी की भी अद्भुत कल्पना, हम सबको मिला अक्षय का अनमोल कहना। आज मैं तहे दिल से समरी अक्षय प्रज्ञा जी का आभारी हूँ। सिर्फ बाहर का ही नहीं, इंटरनेशनल कनेक्शन का भी करते थे। 20 साल पहले मिला था उपहार अक्षय प्रज्ञा जी ने से, अक्षय आभार। विनय भावों से करता हूँ आभार, अक्षय समायिक को भी स्वीकार किया। समरी जी ने मुझे 20 साल पहले परसुएट किया था कि स्वतंत्र जी एक समायिक करा करो, तो वो एक रूटीन बन गया है जिंदगी का, सवेरे समायिक करने का। वो अब तक चल रहा है और गुरु कृपा रही तो अंतिम सांस तक चलता रहेगा। एक शब्द में कहूँ तो मुझे अच्छा श्रावक बना दिया, बस छोटा सा श्रावक, परम उपकारी से प्रति अपनी भावना समर्पित करता हूँ। वंदामी समी अक्षय प्रज्ञा जी एंड प्रणव प्रज्ञा जी। जेवीवी सेंटर ह्यूस्टन एज इट लुक्स टुडे वुड नॉट हैव बीन दिस विदाउट योर एफर्ट, विदाउट योर इंस्पिरेशन, विदाउट यू गेटिंग द कम्युनिटी टुगेदर। सो वी हैव टू डू, आई रिमेंबर व्हेन वी वर ट्राइंग टू थिंक अबाउट बिल्डिंग ए न्यू सेंटर, वन ऑफ द ह्यूज इश्यूज वी हैड वाज हाउ डू वी कलेक्ट द फंड्स, एंड यू ऑलवेज सेड द फंड्स विल कम। And I often used to wonder कि भाई कहाँ से आएंगे पैसे, पर समनी जी को कभी भी शंका नहीं थी, कभी भी कोई उनके मन में ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं आएंगे। That prerna which she gave to me personally and to the community was instrumental in getting us the funds and building this beautiful center which would serve the Houston community for many years to come. So thank you समनी जी for doing that. And we wish you all the very best on this new turn in your journey, and keep blessing us, keeping us in your minds. Thank you, Vandani. Vandami, वैसे तो आपकी बहुत सारी बातें याद आती है, लेकिन आपके नाम याद रखने की जो कला है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने हमेशा मुझे अपने नातिले की तरह समझा और वैसा ही मुझे आपने प्रोत्साहन किया और व्यवहार किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रणव प्रज्ञा जी, आप जब ह्यूस्टन आए तो ऐसा लगा अक्षय प्रज्ञा जी का प्रतिबिंब ही आ गया है। आप सबको बहुत बहुत अनुमोदना और बधाई। धन्यवाद। वंदामी समी जी, आपके सानिध्य में और आशीर्वाद से 2010 में जब हमने अपना नया घर लिया था तो हमने नौकार मंत्र का 24 घंटे का जाप पूर्ण किया था। आपके आशीर्वाद से यह संपूर्ण हो पाया था। आपके साथ बिताई इतनी सारी यादों में से ये एक बहुत अनमूल्य याद है। प्रणव प्रज्ञा जी, आप हमेशा मुस्कुराती रहे और मधुर गाती रहे, यही हमारी मंगल कामना। महाव्रत करें, हाँ करें,
बिताए हुए पल हमारे लिए यादगार बन गए। आपका साहस, संकल्पी और दृढ़ निश्चयी अंदाज आपकी पहचान बन गए। आंखें हैं नम और सबको है गम, क्योंकि आप थे हमारे लिए एक उजली किरण। आप द्वय का साथ मिला, किस्मत हमारी बलवान है। आप द्वय का साथ मिला, किस्मत हमारी बलवान है। आप द्वय समणी जी, समण श्रेणी की शान है, समण श्रेणी के अभिमान है। वंदामिनी नमो स्वामी सन्नी जी, अक्षय प्रज्ञा जी, प्रणव प्रज्ञा जी। अक्षय प्रज्ञा के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आपकी विनम्रता, आपकी सरलता हमेशा याद रहती है। आप ही ने हमको अच्छा शावक बनाया और पर्सनली मेरे लिए तो मेरा पहला प्रतिक्रमण और पहला उपवास आपके सानिध्य में हुआ था लाइफ का। जो वंदामिनी नमो स्वामी सन्नी जी, अक्षय प्रज्ञा जी, आपके घर, आप हमारे घर आए, आपके पगिया पड़े, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। और प्रणय प्रज्ञा जी, आपकी मधुर आवाज़ हमेशा याद रहती है। वंदामी समनी जी, आपके इस जीवन के दुर्लभ क्षण की खूब खूब अनुमोदना। अक्षय प्रज्ञा समनी जी, आपकी एक क्वालिटी हमेशा याद रहेगी। पर्यूषण का जो भी JVB का शुरुआत हुई थी, हम लोग आने वाले नहीं थे क्योंकि दूर रहते थे, बट आपने फ़ोन किया और उसके बाद से कभी भी हमने पर्यूषण JVB का मिस नहीं किया है। आज इतने साल हो गए। वंदामी नमन स्वामी जी, अक्षय प्रज्ञा जी, आपका स्पेशल अनुमोदना आपको इस पद में, क्योंकि आप ही के कारण हम JVB से जुड़े हैं, ये सेंटर बन पाया है। और तीसरा, आपने जो हर एक को एक फैमिली बनाई है, वो अब ये फैमिली बहुत बड़ी हो गई है और अभी भी फैमिली जैसे ही लगती है, तो उसका एक उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। आपकी यात्रा और आगे मंगलमय रहे, यही कामना है। प्रणय प्रज्ञा जी, सभी आपके स्वर की बहुत तारीफ करते हैं, बट सिंगिंग जब तक मन में ना हो, जब तक विनम्रता ना हो, वैसी आवाज़ नहीं आ सकती। और इसीलिए आपका हमेशा जब भी हो वो सॉन्ग रिकॉर्डेड है, हम हमेशा सुनते रहते हैं। आज बहुत कुछ याद आ रहा है। सबसे एक चीज जो याद आ रही है, आपने जब मेरे को फोन किया था कि शशांक आप सेक्रेटरी बनिए नए सेंटर के, तो उससे मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया और आज यहाँ खड़े हैं हम सब। तो बहुत सारी यादें हैं, ये नई नई बहू थी आपके पास पहली बार मिलने इसको लेके आया था पहले दिन जब ये ह्यूस्टन आई थी, तो बहुत बहुत मंगलमय रहे आपका। वंदामी नमन स्वामी समनी जी, ये जो JVB का कनेक्शन है, ये आप ही से जुड़ा है, आप ही ने जोड़ा है, तभी मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। आपका साध्वी पर्याय बहुत मंगलमय हो, यही कामना है अक्षय प्रज्ञा जी, प्रणव प्रज्ञा जी दोनों का। वंदामी समन जी, अक्षय प्रज्ञा जी एंड प्रणव प्रज्ञा जी, वी हैव बीन वर्किंग हियर एट द सेंटर फॉर लॉन्ग टाइम, एंड व्हाइल वी वर बिल्डिंग द सेंटर यू एंड आई वर्क टुगेदर, एंड आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव गेट टू नो And I have learned a lot from you, and I hope that in your future journey you do much better, and also good luck with your new venture. Thank you. Vandami Raman Swami, Akshay Pragya Ji, Pranav Pragya Ji. Akshay Pragya Ji, aapke liye kehna chahungi ki main jitne patthar utne Mahadev Ji samajhti thi, mithya darshan se samyak gyan mein mujhe aap leke aaye, ye aapka anant anant upkar hai. जन्म मरण के चक्कर से मुझे मुक्त करने का जो रास्ता आपने दिया और आपने जो जो मुझे अनुष्ठान सिखाए वो सब अभी तक मेरे चालू है। और प्रणव प्रज्ञा जी, मैं आपकी क्या बात करूं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आपका व्यवहार बहुत मधुर और सुंदर, मन को भा गया, एंड यू मेड मी प्राउड। एंड आप दोनों के लिए अंतर मन से खूब 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 आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि जो रास्ता आपने लिया है तिन्नानम कार्यानम का, वो सफल हो। वंदामी नमन स्वामी, कृतज्ञोस्मी, कृतज्ञोस्मी, कृतज्ञोस्मी। नमस्कार, रमन भाई, जय जिनेंद्र। फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड एग्जाम मेडिटेशन, जहाँ एग्जाम मेडिटेशन कैन बी थ्रू 1999, एंड सिंस देन वेरी रेगुलरली आई एम
daily doing the fraction meditation and going in the right direction, just like you said, he moks samadhi. Once in a while, I hit nirvikalp samadhi, and you know, sometimes that's a kind of, you already taught us to hang around with it. And actually, aapne वो महाप्रज्ञा जी को मिलन किया है 2004 में जब मिले, तब से तो बहुत अच्छा हो रहा है, आपका धन्यवाद. एंड हम चाहते हैं कि आपको आजीवन मोक्ष बने एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते रहे. नमस्कार. नमस्कार पीयूष, आपने मैंने जेवी विघ्न रस्ता बचाव है और मेरा जिंदगी जे जे विघ्न आया है तो आपने मैंने संपूर्ण रीते सारी रीते आपकी रीते तुम्हारी प्रत्यक्ष होता तो अप्रत्यक्ष होते तुम मैंने प्रेरणा दे रही है. आपको खूब खूब आभारी छू. आप बंदा में अक्षय प्रज्ञा जी एंड प्रणव प्रज्ञा जी, आपकी दीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका लक्ष्य पूरा हो और हमने आपसे बहुत धर्म सीखा और आपने बहुत मेहनत की इस सेंटर को बनाने की, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं. तो आप हमारे सबके बहुत चहेता रहे और सब आपको बहुत याद करते हैं. आपका आना यहाँ पर हमेशा याद रहेगा. हम इनवुड से यहाँ पर वो आपके लिए हुए हैं कि ये जैन सेंटर बना है और हम यहाँ पर अपना धर्म ध्यान कर सकें, इसलिए सामने जी आपने ही हमारा लॉट पसंद किया था और भूमि पूजन भी आपने कराया था और गृह प्रवेश भी आपने कराया था. हम आपके सदा आभारी रहेंगे. शुभकामनाएं. जय जयेंद्र मंदा में सभी सुन जी, आपकी एक बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी है, वो है जब मैं योगा सिखा रहा था 4 साल से, प्रणव प्रज्ञा जी ने मुझे अपग्रेड किया टू जैनिज्म टीचर और इससे उसके नेक्स्ट 4 साल मैंने इतना सीखा, क्योंकि बच्चों को सिखाने में इतना खुद को सीखना पड़ता है. इसलिए आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. मंदानी नमन स्वामी, this is something that I really appreciated. It has given me a path of my life. JVP has done a great job by improving our lives and lifestyle of Jainism to us, and it has given us a pleasure and a treasure of what the values of Jainism. Thank you so much for to everybody, to all of you, and I thank you from the bottom of my heart. And this is something that I will never forget, even with my deathbed. Thank you. मुझे याद आ गई, समियाँ जब भी यहाँ आती थी तो 1 साल के लिए होता था, फिर 2 साल के लिए आचार्य श्री ने किया और समनी अक्षय प्रज्ञा विनय प्रज्ञा जी 4 साल यहाँ जब भी बना रहे थे रही, तो उसके बाद आचार्य श्री ने इनको वापस बुला लिया. तो मैं मुंबई गया, आचार्य श्री को निवेदन किया कि इनोग्रेशन होगा तो समनी अक्षय प्रज्ञा जी के यहाँ हमें बोले, तो आचार्य श्री ने मना कर दिया. मैं बोला मैं यहाँ से उठ के जाने वाला नहीं हूँ आचार्य श्री, जब तक आप इनको नेक्स्ट परमिशन नहीं देंगे. तो इसीलिए अक्षय प्रज्ञा जी यहाँ थी हमारे इनोग्रेशन की. वंदामी नमो स्वामी समनी जी, समनी अक्षय प्रज्ञा जी, समनी प्रणय प्रज्ञा जी. तो ये वही स्थान है जहाँ आप बैठा करते थे, तो इसी स्थान पर खड़े होकर मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं बात बोलना भूल गया था कि आप अक्षय प्रज्ञा जी, आपके जो आने की आस है यहाँ पर वो तो अब शायद पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी दीक्षा है, लेकिन आशा करता हूं कि हम 2026 में लाडनू में आप जब वहां विराजमान रहेंगे तो आपके दर्शन का आपका भाव रखता हूं. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं. ओम मनम. परम पूज्य अक्षय प्रज्ञा जी, यू हैव इंपैक्टेड माय हम्बल लाइफ मोस्ट बाय योर काइंड इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस फॉर MA इन जेनोलॉजी. I distinctly remember that due to enormous work pressure and business travels, I wanted to postpone 4 papers out of 8 for the next year. You smilingly and spontaneously said that though I could do that, but whatever I could do at that time, only that was in my hands. Who knows the future? As I reflect on my life now, I realize you were very right. Your inspiration worked and I finished MA. You are a perfect picture of equanimity and humility. From time to time, including my recent trip to Ladnu,
you have blessed me to stick to the spiritual path. Hope to have your kind blessings in the future also. Pujya Pranav Pragyaji. Wish you the best in next phase of your journey. We'll never forget the 2 years we spent with you during your presence in Houston. Look forward to your darshan as Sadhvi ji in near future.